नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ और आपकी फिनेंस को लेके। साथ में लेंगे एंजल गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रिजोनेट करता है शायद उतना ही आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए होगा। ये जनरल रीडिंग है, इसको पर्सनल रहने की जरूरत नहीं है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 10 तारीख तक की। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनी हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। हाई प्रेस्टीज की कार्ड आया है। मुझे लगता है पूरे ये 10 दिन 1 से लेकर 10 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आप हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में रहोगे। आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई रहेगा। आप सोच समझ के काम करोगे, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे। आप जो भी काम करोगे पहले आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे, परखोगे, फिर आप डिसीजन लोगे। जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक आप किसी से इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करोगे, ऐसा आपकी स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा इंट्यूशन का आप इस्तेमाल करोगे, इंट्यूटिव हो जाओगे आप। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका हेल्थ। Four of Swords, 10 of Pentacles, 5 of Cups के कार्ड आए हैं। आपका जो अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ कार्ड, जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह आपका हुआ था, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, मेंटल इशू थी, तो वो रिकवर हो जाएगा आपका। आपका पूरा वक्त अपने परिवार के साथ रहेगा, पूरी पीसफुल स्थिति में आप रहोगे, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा हो जाएगा। हो सकता है 10 तारीख आते आते मेंटली फिर से आप अपने आप को दुखी कर सकते हो, ये वजह आप ही का होगा, क्योंकि दुखी होने की वजह तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ सोचे इंसान को दुखी बना देता है। वैसा कोई सोच होगा जिस सोच के बदौलत आप दुखी हो रहोगे, वरना पूरी तरीके से स्वस्थ रहना आपका दिखाई दे रहा है मुझे कार्ड के अनुसार। आप स्वस्थ रहोगे फिजिकली और मेंटली, लेकिन आप थोड़ी बहुत परेशानी अपने आप में ला सकते हो, अपने आप से आपका परेशानी आप ला सकते हो। अभी हम देखेंगे आपका जो है ये वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Cups एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वर्क लाइफ में आपका जो भी परेशानी चल रहा था, लड़ाई झगड़ा लोगों के साथ, अगर आप बिजनेस करते हो मिलजुल के आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपका परेशानी चल रहा था, तो वो परेशानी खत्म होने जा रहा है। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। बहुत दिनों से अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ये काम हो जाए, तो खुश हो जाइए, वक्त आपके तरफ हो रहा है, आपके अच्छे वक्त आने का आसार दिखाई दे रहा है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है आपका वर्क लाइफ, आपका विश पूरा होने जा रहा है। आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कुछ नया करने जा रहे हो, जो भी परिश्रम, जो भी परेशानी आपका चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है और वो एक नया मोड़ लेने जा रहा है। सडन लक चेंजेस की स्थिति दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से अगर आप कोशिश कर रहे थे, आपका वो काम नहीं हो रहा था, तो जिसे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपका भी हार नहीं होगा। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आपका विश पूरा होने जा रहा है। आपका अच्छे वक्त आने का संकेत दे रहा है कि ये कार्ड कि आपका टाइमिंग चेंज हो रहा है, अपना टाइम आएगा जिसे हम बोलते हैं, तो आपका टाइम आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, आपकी परेशानी खत्म होने जा रहा है। आप जॉब करो या बिजनेस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई जॉब करता है कोई बिजनेस करता है, जेमिनी
कि तो बहुत लोग हैं, हर कोई तो जॉब नहीं करेगा, हर कोई तो बिजनेस नहीं करेगा, तो आप जो भी कर रहे हो, जिन भी लोगों का एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, उनका वक्त बदलने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे कि आपका फिनेंशियल लाइफ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहने वाला है, फिनेंशियल लाइफ क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। ये कार्ड ही है स्टेबिलिटी का कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी रहेगी, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा किसी भी काम पे। जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए था, जो स्टेबिलिटी के लिए आप दौड़ रहे थे, सोच रहे थे कि आपको इस तरीके का स्टेबिलिटी मिलना चाहिए, गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी कहे, आपको वो स्टेबिलिटी देने जा रहा है। सिर्फ आप में थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है, जो आपको रखना चाहिए। पूरी ओवरऑल 10 दिनों के एनर्जी में आपका आया है, आपको थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपको प्यार से पेश आना है सबके साथ। आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा, स्टेबल आप रहोगे, फिनेंशियली आप स्ट्रोंग रहोगे, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, खास करके पैसों के मामले में। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनाई, बी असर्टिव, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अपने हर काम की जिम्मेदारी, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे सही करो चाहे गलत करो, इसका हर परिणाम की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। आपको अपनी खुद की खुशी की जिम्मेदारी लेनी होगी, जो करना है दूसरों पर भरोसा करके ना किया करें, आप अपने काम अपने आप से करें, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, खुद का काम खुद करे, खुद सोचे और खुद की खुशी की जिम्मेदारी भी आप खुद ले। कोई आपको क्या बोल दिया, क्या एडवाइस कर दिया, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और खुद का काम खुद करे, खुद अपने सोच को सही रखे और सही डिरेक्शन में जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये वीडियो देखते रहिए।